हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 3। पाठ का नाम है किरमिच की गेंद। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 3, किरमिच की गेंद। गर्मी की छुट्टियाँ थी, दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? बाहर लू चल रही है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली, परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था, धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहाँ से आवाज आई थी उसी ओर भागा चला। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे, एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। जब वहां कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नजर उठाकर उसने पास की तिमंजली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो। परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां